के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन हुआ है। सीमा पर बीती शाम शुरू हुई पाकिस्तानी गोलाबारी देर रात तक चलती रही। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा के पास के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से लोगों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अभी मैं काम से ही आ रहा हूँ, रास्ते में खड़ा हूँ, आगे बहुत ज़्यादा फायरिंग चल रही है, तो ऐसे में मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी का मसला है हमारे लिए। इस टाइम नहीं, कभी भी मतलब स्कूल के बच्चों के लिए और घर से बाहर निकलना ही मतलब बड़ा मुश्किल हो चुका है। बॉर्डर के लोग हैं जो ज़्यादातर किस किन हालात में रह रहे हैं, जो भी हैं, सरकार है अपने बैठी हुई है, एक बड़ी मसला है हमारे बॉर्डर के लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के गौ सेवा के लिए गौ कल्याण सेस लागू करने के फैसले पर घमासान मच गया। राज्य में आवारा पशुओं की देखभाल के लिए यूपी कैबिनेट ने हर जिले में गौशाला बनाने के लिए गौ कल्याण सेस लागू करने का निर्णय लिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। जब आज लाखों की तादाद में जानवर सड़कों पे भटक रहे, किसान की खेती चल रहे, उस समय ये टैक्स लगा रहे। सरकार तो जब से आई बहाने ढूंढती टैक्स लगाना। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के हां में हां मिलाते हुए बीजेपी पर गौ सेवा के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा दिया। कहां हैं गौशालाएं, जो गौशालाएं चल रही थीं, जिसमें इनके लोग भगवा वाले चला रहे थे, उसका वो खा रहे थे, पैसा भी ले रहे थे और हजारों गायें मर जाती थी। इसके बाद बीजेपी ने विरोधियों पर पलटवार किया और राज्य सरकार के फैसले को गौसेवा के लिए उठाया गया सराहनीय कदम करार दिया। मैं समझता हूँ बड़ा उचित निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य है। विपक्ष ये स्वीकार कर रहा है कि योगी जी गाय पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में गाय की सुरक्षा से जुड़े कई मामले सुर्खियों में रहे, जिसके बाद राज्य सरकार ने स्थायी गौवंश आश्रय स्थल बनाने का फैसला किया, जिसके तहत राज्य की पंचायतों, नगर पालिका, नगर निगम में स्थायी गौवंश आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, जिसके लिए राज्य के कई विभागों पर गौ कल्याण सेस लगाया जाएगा। फैसले के मुताबिक मंडी परिषद के मंडी शुल्क से होने वाली आय का 2% हिस्सा इसमें खर्च होगा। यही नहीं, आबकारी विभाग पर मौजूदा राजस्व के अलावा सेस भी लगाया जाएगा। साथ ही मुनाफे में चल रहे विभाग जैसे कि सेतु निगम और UPSIDC को होने वाले जो लाभ है वो 0.5% गौ कल्याण के लिए खर्च होगा। दावा किया जा रहा है कि सरकार की इस योजना से करीब 1000 आवारा पशुओं की देखभाल की व्यवस्था होगी।